पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आइए आज हम सब मिलकर नए सत्र में प्रवेश करने वाले हर एक विद्यार्थियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ में हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी युवा साथी, विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे और अन्य जो कॉलेज के विद्यार्थी है, जो भी कल से प्रवेश कर रहे हैं या जिनका प्रवेश सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिनकी स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो चुकी है, उन सबको हम प्रभु के हाथों में देते हैं। प्रभु आपको प्रज्ञा प्रदान करे, विवेक प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। अगर किसी में प्रज्ञा की कमी हो, प्रभु का वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक साथ मिलकर विद्यार्थियों के लिए, उनके आशा में भविष्य के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 4:6, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अगर किसी में भय है, डर है किसी प्रकार का, तो प्रभु को सौंपे, डरना नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है, याद करने में दिक्कत होती है, आप प्रभु को कहिए प्रभु मुझे याद करने की शक्ति दीजिए। प्रभु का वचन कहता है यदि मेरी शिक्षा पर तुम चलोगे तो तुम्हारी अवनति नहीं, उन्नति होगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप सच्चे दिल से प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, आप हमेशा ऊंचाइयां हासिल करेंगे, क्योंकि आप सब बच्चे, विद्यार्थी, युवा साथी, आने वाला भविष्य है। आप अच्छे से पढ़े लिखेंगे तो आगे भविष्य और भविष्य में उन्नति होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए हम ईश्वर को, आपको और आपके परिवार को पूर्णतया ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं, यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होंगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होती रहेगी। ये विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 28 का वाक्य 13 है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ईश्वर पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखिए। स्तोत्र 23:1 कहता है प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आप इस नए सत्र की शुरुआत ईश्वर को धन्यवाद के साथ में करें। ईश्वर आपको हर एक चीज प्रदान करेगा, विवेक, ज्ञान, बुद्धि। अगर आप में भय है, प्रभु आपका भय दूर करेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप ईश्वर से जुड़े रहें। इसलिए आप हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आपके बैग, पेंसिल, पेन, कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिससे आप जा रहे हैं, बस को, स्कूल को, स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। और ईश्वर को कहना ईश्वर आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलिए। ईश्वर के हाथों में आपकी शुरुआत होनी चाहिए और आपका भविष्य उन्नति की ओर बढ़ेगा। आप जीवन में कभी भी ठोकर खाकर नहीं गिरोगे। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। इसलिए आपका जीवन, आपका लक्ष्य, सब कुछ
ईश्वर पर निर्धारित हो। प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान कर रहे हैं, प्रभु आपको ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, प्रभु इसी वक्त अपने प्रेम से आपको भर रहे हैं। आप विश्वास करना, डरना नहीं किसी बात में, प्रभु आपके साथ है। जिसके साथ ईश्वर होता है ना, उसका शैतान या मनुष्य कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आप पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएंगे। प्रभु आपके साथ है, आपको प्रभु भरपूर मात्रा में ज्ञान से, विवेक से, प्रज्ञा से भरेगा। आप सब बातों के लिए फिर से हर समय ईश्वर को धन्यवाद देना। कल जब स्कूल से जाएं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, और सबसे प्रेम और शांति के साथ बातचीत करना, क्योंकि प्रभु प्रेम है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसाया 40:31 कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। ये इसाया का ग्रंथ अध्याय 40:31 है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने जितने भी वचन आज इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुँचाए हैं, आप इन तमाम वचनों को अपनी नोटबुक में लिखना और डेली इन वचनों पर मनन चिंतन करना, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।